गाइज, आपने इंडिया के हिस्ट्री के सबसे डेयरिंग और पॉपुलर क्राइम के बारे सुना है। एक ऐसा इंसिडेंट जो इंडिया को ब्रिटिश से आजादी दिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। एक ऐसा इंसिडेंट जिसका ये मोटिव था कि ब्रिटिश के पैसों से ही देश को आजादी दिलाने की तैयारी करनी है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी एक ऐसी कहानी है जो आने वाले जनरेशन को फंसाने वाली है ब्रेवरी, करिंग और रिवॉल्यूशन के साथ। इस वीडियो में हम आपको फेमस ट्रेन रॉबरी और उसके बाद देश में होने वाले घटना के थ्रिलिंग स्टोरी को समझेंगे। प्लान के मास्टरमाइंड से लेकर हीस्ट के नेल बाइटिंग मूवमेंट तक, आखिर क्या है काकोरी कॉन्स्पिरेसी, कैसे काकोरी कॉन्स्पिरेसी को प्लान और एग्जीक्यूट किया गया, उसके बाद देश का क्या माहौल था और ये इंडिया के आजादी में कैसे बहुत बड़ा इंपैक्ट दिया, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। गाइज, हम आपके लिए इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते हैं और उस पर रिसर्च करके आपको वीडियो प्रेजेंट करते हैं। सो इस पर काफी मेहनत है। आप में से जितने लोगों ने भी हमारे वीडियोस को पहली बार देखा है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट देख पाओ। चैप्टर वन, क्या है काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी कॉन्स्पिरेसी या फिर ट्रेन रॉबरी। जब इंडिया ब्रिटिश रूल से आजादी के लिए स्ट्रगल कर रहा था, उस समय का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था काकोरी कॉन्स्पिरेसी। अगस्त 1925 लखनऊ के नॉर्दर्न इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश के काकोरी गांव में यह इंसिडेंट हुआ था, इसीलिए इसे काकोरी कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। इस रॉबरी के समय इंडिया पॉलिटिकल और सोशल टर्मोइल में था, जिसमें इंडिपेंडेंस मूवमेंट मोमेंटम बढ़ रही थी और ब्रिटिश सरकार एक डिसेंट पर क्रैकडाउन कर रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो ब्रिटिश से आजादी के लिए ललच रही थी, मूवमेंट के फोरफ्रंट में था और इसके मेंबर्स एंटी कोलोनियल एक्टिविज्म के रूप में एक्टिव थे और इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व भी थे। काकोरी कॉन्स्पिरेसी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के यंग एक्टिविस्ट ग्रुप के लोगों ने प्लान किया था और इसे एग्जीक्यूट भी उन्हीं लोगों ने किया था। ये HRA जो ब्रिटिश रूल को आम स्ट्रगल से ओवरथ्रो करने के लिए अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन थी। कॉन्स्पिरेटर का ये मोटिवेशन था कि इंडिया को आजादी दिलाना है और ब्रिटिश के कोलोनियल सरकार को इंडिया से हटाना है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी इंडिया के हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट इवेंट था और इसे इंडिपेंडेंस मूवमेंट का टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है। हीस्ट के एवेंचुअल फेलियर के बाद, लेकिन कॉन्स्पिरेटर के ब्रेवरी और सैक्रिफाइसिंग चीजों के वजह से इसे कल्चरल हेरिटेज का एक सेलिब्रेटेड पार्ट भी बनाया जाता है इंडिया में। चैप्टर टू, काकोरी कॉन्स्पिरेसी को कैसे प्लान और एग्जीक्यूट किया गया। काकोरी कॉन्स्पिरेसी का प्लानिंग और एग्जीक्यूशन एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यंग एक्टिविस्ट के द्वारा। इसमें ब्रिटिश सरकार के पैसों से भरे हुए ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। कॉन्स्पिरेटर ने ऑपरेशन के वेरियस चैलेंजेस के लिए वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी बनाई थी और इस प्लान को अच्छे तरीके से डिजाइन किया था। पहले कॉन्स्पिरेटर ने पैसों से भरे हुए ट्रेन को आइडेंटिफाई किया, फिर उसका रूट देखा और उसका शेड्यूल देखकर उसके बारे स्टडी किया ताकि हाईजैकिंग के लिए बेस्ट प्लेस और टाइम डिटरमाइन हो सके। उन्होंने ऑपरेशन को कैरी आउट करने के लिए ट्रस्टेड मेंबर को चूज किया, उन्हें आर्म्स प्रोवाइड किया और उन्हें आर्म्स की ट्रेनिंग भी दी। रॉबरी के दिन सडन पावर फेलियर के साथ कॉन्स्पिरेटर ने ट्रेन को काकोरी रेलवे स्टेशन पर रोक दिया, जिसके बाद ट्रेन का क्लोज कंट्रोल ले लिया और ट्रेन के गार्ड्स को ओवर थ्रो करके उसे सफिशियंट अमाउंट ले लिया ताकि जिससे इंडिया की आजादी के लिए लोग तैयारी कर सके। ऑपरेशन के वेल एग्जीक्यूट होने के बाद भी ब्रिटिश आर्मी ने बहुत सारे कॉन्स्पिरेटर को पकड़ लिया था, लेकिन जितने भी कॉन्स्पिरेटर को अरेस्ट किया गया था उन्हें कोई भी रिग्रेट नहीं था, क्योंकि उनका ये मानना था कि उन्होंने ये सेक्रीफाइस और ये बलिदान देश की आजादी के लिए दिया है और उन्हें ऐसा लगता था कि ये कहीं ना कहीं आजादी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस इंसिडेंट के बाद देश में आजादी की आवाज और तेज से बुलंद होने लगी, लोग और आजादी के वर्ड्स अट्रैक्ट होने लगे और इन्हीं सब रीजन की वजह से काकोरी कॉन्स्पिरेसी इंडिया के कल्चर हेरिटेज का एक सेलिब्रेटेड पार्ट बन गया और ये फ्यूचर ऑफ जनरेशन को इंस्पायर करेगा। चैप्टर 3, क्या काकोरी कॉन्स्पिरेसी एक क्रिमिनल एक्ट था। अगर एक्चुअली देखा जाए तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी एक क्रिमिनल एक्ट ही था, क्योंकि इसमें ट्रेन को हाईजैक करके उससे फोर्सफुली पैसे लेना शामिल था। और इस इंसिडेंट के बाद ब्रिटिश ने बहुत सारे कॉन्स्पिरेटर को अरेस्ट भी किया था और उन्हें जेल भी हुई। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे कई कॉन्स्पिरेटर उनके इंडिपेंडेंस मूवमेंट की वजह से नेशनल हीरो बन गए, लेकिन उनका क्रिमिनल एक्ट इग्नोर नहीं किया गया। ब्रिटिश ऑथोराइज ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट को क्रैकडाउन करने का मौका देखा और एक्टिविस्ट भी अरेस्ट हुए और इम्प्रिसोनमेंट में हुए। ब्रिटिश ने इस इंसिडेंट में जितने भी कॉन्स्पिरेटर को अरेस्ट किया था उन्हें कोई भी रिग्रेट नहीं था, क्योंकि उनका यही मानना था कि ये देश की आजादी से पहले का स्ट्रगल है और उन्हें ये लगता था कि उनका यही संघर्ष देश को आजादी दिलाएगा। और उन सब ने अपना ये एम बना लिया था, उन्हें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े लेकिन वो इंडिया को आजाद कराकर ही दम लेंगे। आज काकोरी कॉन्स्पिरेसी इंडिया के इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल का प्रोविशनल मूवमेंट के रूप में याद किया जाता है और उसकी लेगेसी जनरेशन ऑफ इंडिया को जस्टिस और फ्रीडम के लिए फाइट करने के लिए इंस्पायर करती है। चैप्टर 4, लेगेसी ऑफ काकोरी कॉन्स्पिरेसी। काकोरी कॉन्स्पिरेसी का लेगेसी कल्चर सिग्निफिकेंस की तरह देखा जा सकता है। सबसे पहला, ये इंडिया के इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल के की मूवमेंट के रूप में याद किया जाता है और ब्रेवरी, सेक्रीफाइस और फ्रीडम के काउस कमिटमेंट के सिंबल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी ने इंडियन सोसाइटी पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दिया है।
इसने कई इंडियंस को इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में इन्वॉल्व होने के लिए इंस्पायर किया और ये अब भी कंट्री के लिए प्राइड और इंस्पिरेशन का सोर्स है। ओवरऑल काकोरी कॉन्स्पिरेसी इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जाता है और इसकी स्टोरी जनरेशन ऑफ इंडिया को जस्टिस, फ्रीडम और सैक्रिफाइस के लिए इंस्पायर्ड करती है। चैप्टर 5 कंक्लूजन। काकोरी कॉन्स्पिरेसी इंडिया के हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट इवेंट था और ये इंडिया के फ्रीडम में टर्निंग पॉइंट था। इस इंसिडेंट के बाद जो लोग ब्रिटिश की गुलामी करते थे वो लोग भी उनसे दूर होने लगे और सब आजादी चाहते थे। चाहे आप हिस्ट्री बफ हो, पैट्रियोटिक इंडियन हो या फिर पुरानी स्टोरीज के लिए फैसिनेटिंग रखते हो, काकोरी कॉन्स्पिरेसी एक ऐसा इवेंट है जिसे एक्सप्लोर करना वर्थ है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और उम्मीद करता हूँ कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी की फैसिनेटिंग जर्नी आपको पसंद आई होगी।